तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी फिर बोलोगे आप लोग ने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मेरे साथ अभी कहानी हो गई थी। यहाँ पे मैं सुबह उठाऊँ, फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फौरन रीना मैडम ने मेरे को बोला भूख लग रही है। दोनों साथ ही उठे तो मुझे बोला नाश्ते के लिए निकलो। हम नाश्ते के लिए निकले, सुबह भी नहीं हुई थी। अभी भी देखो मौसम कैसा हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत देर है। लेकिन फिर हम लोगों ने होटल पे बैठ के डेट मारी, चाय पी। हम लोग ना वो कोने पे गए उस तरफ ना, वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे जाके हमने बैठ के चाय पी, बातें करी इतनी देर के अंदर के अब जैसे इधर आए ये भूल गया। आप सबसे पहले इधर के कस्टमर हम लोग हैं, सही है ना? इन लोग को चाहिए हमको अवार्ड दे, सही है ना? डेली हमारा नाश्ता फ्री करे, जो फिर या तो मैं हमारे किसी व्यूअर का नाश्ता फ्री करना चाहिए इन लोगों को डेली एक दफ़ा, क्योंकि जितनी दफ़ा हम इधर आ चुके हैं आप लोग के भी कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी नाश्ता करते हैं, आजकल शुरू हो गया कमेंट आने लग गए इन लोगों ने, तुम लोगों को प्रमोशन पे रखा हुआ। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू है, साथ रहे, एंजॉय करते रहे इस ब्लॉग को। चलिए आ जाना, खाना हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, सही है ना? देख सकते हैं आप लोग, तो ये खाने के अंदर ही शुरू हुई होती है एनी टाइम। खाओ पहले खाओ, अच्छा खाता हूँ। मैंने नाश्ते वाला डायलॉग चेंज कर दिया, और नहीं बोलते हेलो दोस्त चाय पी लो, मैं बोल रहा हूँ हेलो दोस्त लस्सी पी लो, लस्सी बहुत ठंडी नहीं पी जा रही। नाश्ता हो गया फाइनली, अभी चलते हैं घर, बाकी ब्लॉग देखते घर पे क्या चीज़ होते हैं वहाँ कंटिन्यू करेंगे। मोटू और कुछ खाना है? जाल के अंदर फंस चुकी है। मैं इसको बता रहा हूँ कि एक साल पहले हम लोग यहाँ पे ना सामने वाली गली के अंदर आए थे किसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए आए थे ना, याद करो। बताओ किस चीज़ के लिए आए थे, ऐसे बता दो वरना आपके पेट में दर्द करेगा। मेरे तो नहीं होगा, मेरे को तो बात पता है आपके होगा दर्द। आधे घंटे अच्छा बात सुनो, एक किलो दे दो आपको, घंटे दे दो। एक चीज़ थी जिसकी आपने जिद करी थी, उसके लिए हम घूमे थे पूरी जगहों पे, फिर यहाँ पे हम आए थे। सूप? नहीं, हाँ। यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन उसको बिल्कुल बनवाया था नया सूप, जैसे 0 मीटर नहीं बनता वैसे। कैसा लगा? कैसा आपको बातों में घुमाया मैंने? गंदे हो आप, बहुत गंदे हो, ठंडी लग रही है, मैं घर जाऊँगी बाइक पर, ठंड लगती है खाने के बाद ऐसी और ज़्यादा लगती है। चलो चलो, जो है वापसी आने के बाद मैंने ना अपना सारा काम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, घर को अपडेट करने के ऊपर। मैंने मामू को बुला लिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कराई। इस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी, और इस कमरे की अब रोशनी देखो मेरे वाले कमरे से भी ज़्यादा हो गई। ये LED लाइट मैंने इधर लगवाई है क्योंकि यहाँ पे चेयर वगैरह रखता हूँ मैं लाइट के लिए। और अभी जो है जो LED ये पड़ी हुई है ना, ये लग रही है उधर उस कमरे के अंदर, वहाँ पर मामू डिलीवरी वगैरह का काम कर रहे हैं, और ये LED जाएगी अम्मी के पास, तो वहाँ पे भी काम जो चल रहा है दिखाऊँ आप लोगों को। इन्हें चाय बनाने में लगी है, तो ये इतने दिन से इसने मेरी जान खाई हुई थी खाली LED के लिए, तो आज LED लग जाएगी तो मेरी जान छूट जाएगी। बाकी घर के अंदर जो अपडेट होने लगा है काम, चाय बन रही है, VIP करके देखें आप लोग को ला सफर 2 मिनट गाइस। दोस्तों उस टाइम मुझे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इधर अभी चल रहा था ड्रिल का काम हो चुका है, खाली एंगल लगना है, उसके बाद LED लगनी है। सारा सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है, चाय पी लें, इसका फ्रेश होके अब LED लग जाए, उसके बाद अलीना के साथ आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो साथ रहे और एंजॉय करते रहे इस ब्लॉग को आप। सो फाइनली दोस्तों पूरे घर का लुक मैंने पूरा चेंज कर दिया आज, क्योंकि यार घर बहुत बुरा लग रहा था और बहुत ही सन्नाटा घर के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले लगा दी इधर LCD, इधर बैठ गए अलीना, इधर जो है यहाँ पे क्या नाम है बेड को मैंने चुपका दिया उसके साथ, यहाँ पे लगा दिया भाई। तो पूरा इधर दूर से दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे सफाई वफाई नहीं हुई थी क्योंकि अभी सारा सिस्टम वो हुआ हुआ है ना, क्योंकि इसको उठा के हम इधर लाएँ, कल इसका शीशा वीशा भी लग जाएगा। और उस कमरे का भी थोड़ा हाल बुरा है, बाहर से दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। वहाँ मैंने किचन के अंदर भी जो लाइट का इशू था वो भी मैंने करा दिया, वहाँ पे भी ऊपर वो जो लाइट लगा दी, इधर लाइट ख़राब थी, 2 लाइटें ख़राब थी, 1 मैंने उधर लगा दी, सही है ना? क्योंकि दूसरी के लिए स्टूल नहीं था यहाँ पे, वहाँ से तो चढ़ के लगा लिया। और यहाँ पे भी मैंने जो है ये वाली लाइट लगा दी, हाँ ये अब यहाँ पे ये जो अलीना का मेकअप पड़ा है सारा, ये उधर उस पर आ जाएगा। और बाकी जो है घर की पूरी सफाई होने के बाद आगे का मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, जब पूरा घर पूरा चमक जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगा क्या लुक आया घर का। फाइनली दोस्तों सारे काम कराने के बाद जो है ना घर का अभी थोड़ा सा लुक चेंज, तो मैं अभी जो है बस एक काम रह गया, 5 तारीख हो गई, महीना गुजर गया, सही है ना? तो 5 से 5 हम लोग राशन वाशन घर का चीज़ें वीज़ें लेके आते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ घर के जो है ना चीज़ें वीज़ें ख़त्म है, चाय बनाने का सामान तक ख़त्म है, तो जो जितना वो तभी राशन आ रहा है वो लेके आते हैं जाके मार्ट से। बाकी जो है वो 10 तारीख को जाएंगे अपना बाकी राशन लेने के लिए, जो अम्मी लोग के लिए भी लेने जाएंगे अपने लिए भी, तो चले आए वो लेके आए। बम्पर ऑफर लूटने के लिए आए आज हम लोग यहाँ पे, बताओ। ये पूछा लीना ने मांगा है मेरे से, देखते इसकी प्राइस क्या है पता करते हैं, समझ आया तो ले लेंगे घर के लिए।
गया डन। अब और देखते हैं मैं क्या लेना है सामान यहाँ से। अभी मैंने ये क्या है, वाह ग्रोसरी की पूरा सामान ही ले लें, क्या बोलते हो आप? मैंने नया कारनामा अंजाम दे दिया, लाइटें क्यों जल रही है, बाइक की चाबी घुमा दी, बाइक को पार्किंग में छोड़ दिया, जा रहा हूँ ऊपर सामान लेकर लेना खड़े, चाबी मेरी जेब में दूसरी, चलो दूसरी घर की तो बची, वरना घर पे भी नहीं घुस पाता मैं। आ जाओ, सामान सारा यहाँ पड़ा हुआ है। सो फाइनली दोस्तों घर आ गए, बस एक मसला हो गया, मेरी आइसक्रीम पिघलने लग गई। मैंने बोला मैं अपने ले रहा हूँ आइसक्रीम, जिसने भी ना अपने लिए होशियारी करी, देखो आइसक्रीम ले ली अभी रुक भी नहीं खाने से ये वाली। इतना सा आगे गए एक चेक एक पता नहीं पोछे के अंदर ऐसा क्या राज है, अभी अलीना मारेगी ना तो देखेंगे क्या राज है इस पोछे के अंदर। अभी सारा सामान अभी सेटअप करना है, अपनी जगह पे रखना है ये रख के। दोस्तों अभी जो है घर की सारी सेटिंग हो गई, सामान सारा हम लोगों ने रख दिया जो हम लेकर आए थे। कौन सी ना? वो भी नहीं आए ना। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि खाना जो है अरमान को बुलाया है, अरमान से सारे काम कर रहा है, तो चलो मैंने बोला खाना खा के आए, आके फिर ब्लॉग को एंड करके फिर हम शो कर देंगे, वरना ये मेरे सर में दर्द कर दिया, क्योंकि सुबह से मैंने आज इतने काम किए ना, मेरे हिम्मत नहीं रही ब्लॉग करने की। चले आए खाना खा के आए फिर ब्लॉग को एंड करें। तो हम लोग ऊपर गए, लेकिन हम लोग अभी अंधेरा कितना आ रहा है, मेरा मोबाइल का रिजल्ट का। हाँ हम लोग ऊपर गए, ऊपर हम लोग को मज़ा नहीं आया, ऊपर चारों तरफ इतनी फैमिलीज बैठी कि मैं व्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए मैं नीचे आके यहाँ पे सबों से बैठ गया। यहाँ पे अभी कोई यही नहीं, इस वजह से हम लोग इधर बैठे हुए और अभी इंतज़ार कर रहे हैं चिकन शाही कोयला कढ़ाई का। अब इसको पहले एक पटेल बड़ा लहसन देही का पता था, अब यहाँ का पता चल गया, यहाँ इसको मैं डेली नहीं लेके आऊँगा, वहाँ फिर भी ले जाता हूँ, वहाँ जो है घर के करीब है ना, ये दूर है, इस वजह से यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं यहाँ का कैसा है। वहाँ का तो इसको डेली खाना होता है अलीना को, यहाँ का ये बताएगी खाने के बाद। मैंने आज आपने बिरयानी अच्छी नहीं खिलाई। वाह खाने का टाइम आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो इसने बिना वजह ना रायता खाना शुरू कर दिया है। अच्छी जगह पे लाना नहीं चाहिए, कहीं भी कभी भी अच्छी जगह पे नहीं लाना चाहिए। इधर शिफ्ट हो गए क्योंकि वो टेबल गिर रहा था, खाना भी आ गया है, अलीना ने दोनों हाथ ऊपर करके माशाल्लाह से खाना शुरू कर दिया है, तो मानो भाई भी नहीं रुक रहे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ मैं भी शुरू हो जाऊँ, टाइम ये लोग मेरा ज़ाया कर रहे हैं, खराब इस वजह से यहाँ उठ के आ गए। सारी चीज़ हो गई डन, अब हम लोग जाने लगे हैं यहाँ से सीधा घर, और आप लोग से मिलते हैं घर पर। पानी की बोतल बच गई है और ये बोल रही है कि मैं घर पे लेके जाऊंगी, तो मैं इसको ले जाने देता हूँ, बेइज्जतियाँ करा रही है मेरी पूरे आवाम के अंदर बैठ के। हम लोगों की वजह से ना पूरा ये मॉल इलाका ना फैमिली से भर गया, तभी मैं वीडियो ब्लॉग यहाँ पे भी नहीं बना पा रहा हूँ, और ये हसन सही वाले बस बोल रहे तुम लोग जल्दी से उठ के यहाँ से निकलो, तो हमें जाना पड़ेगा खाना यहीं पर छोड़ के। दोस्तों ये व्लॉग जैसा ही बना हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया सुबह से, जो है आप लोगों ने देखा फजर से स्टार्ट व्लॉग, अभी जो है लास्ट 10-11 बजे रात के सोते हुए एंड हो रहा है, तो बस नींद के अंदर हूँ, इस वजह से जैसा भी बनाओ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।